सवाल अब ये है कि एक घोड़ा, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तब उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब घोड़ा गाड़ी कुछ दूर तक चलनी शुरू हो जाती है तब घोड़े को कम मेहनत करनी पड़ती है उसको खींचने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है इसके पीछे की फिजिक्स? तो इसके पीछे जो फिजिक्स वर्क करती है वो करती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। इट मीन्स जब कोई बॉडी रुकी हुई होती है तब उस बॉडी और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब घोड़ा या फिर घोड़ा गाड़ी दोनों चलना शुरू करेंगे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, लेकिन जब एक बार ये चलना शुरू कर देते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है सिर्फ उसके अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ता है। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को क्रॉस कर चुके होते हो तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है जो कि अपने आप में स्टैटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से आपको शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये घोड़ा गाड़ी के लिए भी है और यह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर खींचना चाहेंगे तो ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था, व्हाई हैज़ अ हॉर्स टू पुल अ कार्ट हार्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप ऑफ इज मोशन? तो रीज़न क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप ऑफ इज मोशन द हॉर्स हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग द हॉर्स हैज़ टू वर्क अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अपने आप में लेस होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप सब कुछ इस तरह का रिलेशन दे दें कि बताओ कौन सा ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होता है हमेशा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। हिमाचल ने इसको पूछा, दिल्ली ने इसको पूछा, दिल्ली ने दो बार इसको क्वेश्चन को पूछा, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच गाइज़।